हेलो एवरीवन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर स्ट्रेटजी को यूज कैसे करें। हर ट्रेडर का यही मन करता है कि वह सही जगह पर सही एंट्री ले। अब होता क्या है, सही जगह तो ट्रेडर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद ही समझ में आने लग जाती है। उसे पता चलने लग जाता है कि इस जगह से मार्केट ऊपर जा सकता है, इस जगह से मार्केट नीचे आ सकता है। पर उसे मेन डिफिकल्टी जो फेस करनी पड़ती है वह ये रहती है कि उस जगह पर सही एंट्री किस तरह से प्लान करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट रखें, कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें, इन सब में उसे सबसे ज्यादा इश्यू आता है। स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 7th पार्ट में, जिसमें हम यह सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजर को यूज करके उन पर एंट्री प्लान की जाती है, क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी रहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जैसा कि इस वीडियो की पूरी थीम ही ट्रेड एग्जीक्यूशन पर रहने वाली है। ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप सुनेंगे तभी आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके ट्रैप होने के चांसेस बने रहेंगे। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर स्ट्रेटजी नाम है, तो इसके लिए तीन मेन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर क्या रहता है, सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर क्यों रहता है, थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक वैलिड प्रॉफिट मैक्सिमाइजर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, चार्ट पर नहीं पता है आपको, इन सब के बारे में तो टेंशन मत लीजिए। इसके जस्ट पहले वाला ही जो वीडियो था सीरीज में, आप उसको चेकआउट कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जैसा कि हर स्ट्रेटजी का सबसे पहला सबसे बेसिक पॉइंट रहता है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है, तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हाई रहती है। जितना ज्यादा लो टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर रहेगा उतनी ही उसकी एक्यूरेसी कम रहती है। ऐसा क्यों होता है, हमें उम्मीद है कि आपको यह रणनीति वीडियो जरूर पसंद आएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं ट्रेडिंग टूल्स के बारे में। चार्ट में हमें जो बाय और सेल एरो इंडिकेटर देखते हैं उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर नीचे हिस्टोग्राम क्षेत्र है, हम इसे कुरुतोगा हिस्टोग्राम इंडिकेटर कहते हैं। इस वीडियो में हम निफ्टी के 1 आवर के चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। ये रणनीति 1 आवर की समय सीमा पर अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि ये स्ट्रेटजी अद्वितीय है, क्योंकि किसी ने भी आपको इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है, जब हिस्टोग्राम 0 लाइन से ऊपर ग्रीन कलर होना चाहिए, जब मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है ये। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। आइए अब शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है, जब हिस्टोग्राम 0 लाइन से नीचे रेड कलर होना चाहिए, जब मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया ही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ ट्रेडे देखने जा रहे हैं जिससे आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है, यहां हिस्टोग्राम 0 लाइन से ऊपर ग्रीन कलर होना चाहिए, यहां मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा।
मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया ही, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे रेड कलर होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर ग्रीन कलर होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। नेक्स्ट सिग्नल मिला है, इसीलिए इसे क्लोज करना है। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे रेड कलर होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर ग्रीन कलर होना चाहिए। यहाँ मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर लाइन पर रखा जाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया ही। आइए जानते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर सर्च करेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेटिंग में ATR मल्टीप्लायर 3 को 4 में बदल देंगे। हम ट्रेडिंग व्यू के खोज बॉक्स में कुरुटोगा हिस्टोग्राम सर्च करेंगे। इसके बाद हमें कुरुटोगा हिस्टोग्राम विकल्प पर क्लिक करना होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।